जी भैया, तो स्वागत है आपका YouTube चैनल भानु ब्लॉग्स पर। इस वक्त है हम झारखंड के चितरंजन में और आज जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल आसनसोल। आसनसोल में एक मंदिर है जो कि काफी प्राचीन मंदिर है और घाघर बूढ़ी मंदिर से फेमस है वो। तो आज हम लोग इस ब्लॉग में वहां जाने वाले हैं और मौसम इतना सुहाना है ना भैया कि क्या कह सकते हैं। इस मौसम में घूमने का बहुत मजा आता है और हम झारखंड आए और आसपास की चीजों को ना दिखाएं तो फिर मैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिलहाल अभी हम और जीजा जी जा रहे हैं बाइक से और काफी मजा आने वाला, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं। और अगर अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, मजा आने वाला है ब्लॉग को। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फिलहाल जिया जी आ गए हैं और अभी चलते हैं हम लोग सीधा। लॉटरी में पार्टिसिपेट किए? लॉटरी में? हाँ। सारा प्राइस है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बिल नंबर के साथ बहुत सारा प्राइस है, उसमें अपना गाड़ी नंबर देगा पार्टिसिपेशन। अरे टू हंड्रेड से ऊपर में पार्टिसिपेशन। चलिए आज आपको ब्लॉग में सारा कुछ दिखाएंगे और घुमाएंगे आपको आसनसोल का घाघर बूढ़ी नाथ मंदिर जो कि काली माँ का मंदिर है। तो चलिए सफर का मजा लेते हुए सीधा पहुंचते हैं घाघर बूढ़ी नाथ मंदिर। जी भैया, तो अभी पहुंच चुके हैं घाघर बूढ़ी मंदिर। देख सकते हैं यहाँ पर आसनसोल का नेशनल हाईवे रोड है और उसके ठीक बगल से एक गली गया है, मतलब रास्ता कटा है, उसी रास्ता से आएंगे तो ये आपको मंदिर का गेट मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं इस मंदिर के अंदर। चलिए इस गेट के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं घाघर बूढ़ी मंदिर का और आपको आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। तो फिलहाल जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर प्रसाद सबका काउंटर लगा रहता है और यहाँ पर चुंदरी उंदरी सारा कुछ है, देख सकते हैं। जैसा ही अंदर करेंगे एंटर करेंगे ना तो ऐसा फील लगेगा कि हाँ चलिए कुछ धार्मिक स्थल पर आ चुके हैं, ऐसा वाला फील आता है। यहाँ पर पॉजिटिव वाइब, मतलब पॉजिटिव वाइब आता है। तो इस चीज़ को फील करने के लिए तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। आइए जरूर और विजिट कीजिए, काफी अच्छा लगता है। देख सकते हैं यहाँ पर दुकान उकान सारा दोनों साइड लगा हुआ है, आपको चाय वाय पीने के लिए भी लगा हुआ है यहाँ पर स्टॉल। और देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर उंदिर। तो जी आज फिलहाल अंदर जा चुके हैं तो प्रसाद ले रहे हैं, आपको दिखाते हैं प्रसाद में क्या क्या लेना होता है और क्या क्या सब चढ़ता है वो सारा कुछ दिखाते हैं आपको। तो भैया प्रसाद में यहाँ पर क्या क्या चढ़ता है? एक तो नारियल चढ़ता है, गुड़ का बकास है, इलाची बना है, ये अगरबत्ती पीला है, उदे का जुबा फूल का माला है। कौन? अच्छा, वो चुंदरी भी चढ़ता है, जो चुंदरी है माँ का नाम लिखा हुआ है, घर ले जाने वाला चुंदरी है। ठीक है, नाम से चढ़ता है। तो मतलब ये पूरा प्रसाद का एक बार में अगर पैकेट लेते हैं तो कितना पड़ता है? पूरा सब कुछ मिला कर पड़ जाएगा आपको 151 रुपए। 151 रुपया? इसमें एक तो नारियल, 6 ठो केला, एक तो जुबा फूल का माला, ये साका चूड़ी रंगल का बतासा, फूल बेल बतासा, ये नॉर्मल नॉर्मल है। जैसे हम और आपकी दीदी अगर आते हैं, ठीक है, तो हम लोग साड़ी और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं। तो भैया से जान गए कि यहाँ पर आएंगे तो एक नॉर्मल प्रसाद अगर चढ़ाना चाहते हैं तो 151 रुपए का पूरा आपको प्रसाद मिलेगा। तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए फिलहाल ये देख सकते हैं ये 151 का डलिया है और ये लेकर के चलेंगे अभी हम लोग पूजा करने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको नाश्ता वास्ता का भी दुकान मिल जाएगा। यहाँ
का नाश्ता के बारे में सोचते ही मुँह में पानी आया। अच्छा मतलब ये लहसुन प्याज का नहीं रहता? नहीं नहीं, बिना लहसुन प्याज का ये यहाँ पर नाश्ता मिलता है। बाकी देख सकते हैं यही मंदिर है, जय माता दी। बाकी फिलहाल अभी हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा कुछ लाइन लगना होता है, देख सकते हैं काफी भीड़ रहता है। कल देखिए यहाँ पर काफी भक्तजन लोग आए हुए हैं माँ का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर कुछ भक्तजन अभी अंदर में हैं, उन लोगों का पूजा हो जाएगा तो फिर ये गेट खुलता। तो फिलहाल अभी अंदर में पूजा वूजा कर लिया। बाकी यहाँ पर एक बिहार वाले भाई भी मिले जो कि हाजीपुर से हैं। मैं चंडीगढ़ जो दो तीन पिंड दिखा होगा आपको, जो बीच वाला जो पिंड है ना उसमें घाघर माँ काली चंडी का वो रूप है, दूसरा जो दाहिने साइड में दिखे होंगे वो है महादेव जी का पिंड, और उनके बाएं साइड में जो होंगे वो है अन्नपूर्णा माँ का पिंड। तो ऐसा कुछ स्वरूप है माँ का। बाकी अभी अभी मंदिर का और भी दिखाते हैं, बहुत छोटा छोटा यहाँ पर मंदिर है, बाकी वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये संत लोग हैं जो यहाँ पर आकर के पूजा करते थे, देख सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं उधर। ब्रिटिश टाइम हाँ, अंग्रेज के जमाने का मंदिर है, करीब हमको लगता है 400-500 साल का हो गया होगा। पुराना मंदिर तो बहुत पहले का है मगर इस हिसाब से डेवलप पहले नहीं। श्री श्री बूढ़ो बाबा शिव मंदिर, यहाँ पे बूढ़ो बाबा शिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर शिव जी का मंदिर, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। देख सकते हैं ये जो आपको पेड़ दिख रहा होगा, इस पेड़ में ये मान्यता है कि लोग अपने यहाँ पर चुंदरी बांधते हैं, मन्नत जो भी होता है वो लोग पत्थर और चुंदरी में बांध करके रखते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर काफ़ी जगता ये मंदिर है और यहाँ पर जो लोग भी अपने मन की मनोकामनाएं लेकर के आते हैं वो सारा मनोकामनाएं पूर्ण होता है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा है। तो फिलहाल अभी हम लोग सारा कुछ दर्शन कर लिए, आप लोगों भी करा दिए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, ये ब्लॉग, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर इस वीडियो का हम लोग जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता करें। हाँ तो अभी हम लोग जाएंगे नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख भी लगा है, हम लोग खाली पेट आए थे घर से। तो चलिए अभी नाश्ता वास्ता करेंगे और काफ़ी अच्छा लगा। एक बार तो जरूर ही आइए, अगर आप बंगाल जा रहे हैं या फिर आसनसोल की तरफ घूमने आ रहे हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर आकर के विजिट जरूर कीजिए, काफी अच्छा मंदिर है। बाकी कैसा लगा आपको ब्लॉग जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।